यूएस फेड ने वाकई दिल खुश कर दिया है, पूरे दुनिया के मार्केट झूम उठे कल। क्या किया उन्होंने? जो उम्मीद थी उससे थोड़ा ज़्यादा दे दिया। उम्मीद ये थी कि ब्याज दरों में कटौती का कोई टाइमलाइन दें या कोई डायरेक्शन दें या कोई एक नई चीज़ बताएं जिससे मार्केट को पसंद आए। तो फेड चेयरमैन ने कल जो बैठक की, फेड यूएस का सेंट्रल बैंक है और अमेरिका में ब्याज दरें घटने को लेकर के या मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के उनकी एक मीटिंग थी। उस मीटिंग के फैसले में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस साल यानी 2024 में 3 बार रेट कट हो सकता है। जनरली 25 बेसिस पॉइंट होता है यानी 1/4%, तो 0.25% रेट कट हो सकता है 3 बार। मार्केट को लग रहा था कि जिस तरह के इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, जिस तरह से जॉब डेटा है, शायद 2 बार होगा। 2 बार भी डिस्काउंट था कि अगर 2 बार होगा दुखी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा कहा 3 बार इस साल कट हो सकती हैं, बावजूद इसके कि जॉब मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन अभी उतना नीचे नहीं आया जो उनके टारगेट्स हैं, ट्रेजेक्ट्री नीचे की है, रफ्तार नीचे की तरफ दिख रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी ऊपर है। तो इसको देखते हुए उन्होंने ये जब बात कही तो मार्केट खुश हुआ और यूएस मार्केट में देखिए रैली हुई, तीनों इंडाइसेस उनके लाइफ हाई पे खड़े हैं। एक साल का जो टारगेट S&P 500 का दिया गया था वो उसने सिर्फ मार्च में पूरा कर लिया, 5200 के पार कन्विंसिंगली खड़ा है। इस तरह की बुल रैली अमेरिकन मार्केट में चल रही है। अब थोड़ा डीप में समझते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो कोर PCE है, देखिए इन्फ्लेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक इन्फ्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि इतने परसेंट आया, 4%, 5%, 3%, एक उसके अंदर तक कोर इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन से हम फूड और एनर्जी को हटा दें तो जो बचता है उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। उसमें ज़्यादातर सर्विसेज आती है, जैसे आपका कार का रेंटल, अस्पताल के बिल, स्कूल की फीस, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये स्टिकी होती है, ख़त्म नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया कि कोर इन्फ्लेशन जो 2.4% का वो टारगेट लेके चले थे दिसंबर में, उन्होंने बोला था, अब उसको उन्होंने ऊपर कर दिया, 2.6% कर दिया। मतलब कि अगर नहीं जाता उतना नीचे तब भी हम रेट कट करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने जो GDP के नंबर्स हैं उनको रिवाइज किया। उन्होंने कहा कि 2024 की रियल GDP 2.1% होगी, जो पहले उनको 1.4% लग रही थी। फिर उनको लगता है नॉमिनल GDP 4.5% होगी, जो पहले उनको 3.8% लगती थी। तो यानी बहुत रोबस्ट और स्ट्रांग कमेंट्री इकोनॉमी पे, थोड़ा सा लीनियंट हुए, थोड़ा सा टॉलरेंट हुए कोर इन्फ्लेशन को लेकर के। अब ये सब उन्होंने क्यों किया? देखिए इसमें एक सिंपल सी बात ये लगती है कि अमेरिका में इस साल चुनाव होने राष्ट्रपति के नवंबर में, और एक पॉलिटिकल प्रेशर तो है, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा ये सजेस्ट करता है कि उनको अपनी कमेंट्री में ट्विक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ट्विक किया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से एक राजनीतिक दबाव है कि आपको रेट कट करने चाहिए, और इसीलिए उन्होंने 3 रेट कट भी बोले और कोर इन्फ्लेशन का अपना टारगेट थोड़ा ऊपर कर दिया है। सिंपली रख दें तो 3 कट यानी 1 पहला जून में पूरी संभावना है, फिर एक पॉलिसी छोड़िए उसके अगले में यानी सितंबर के आसपास, और तीसरा फिर नवंबर में। तो यहाँ से लेकर के दिसंबर तक आपको 0.5% अमेरिकी ब्याज दरें घटती हुई दिखेंगी, उसके अगले साल भी घटेंगी, उसके अगले साल भी घटेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर अमेरिका की तरफ से निकल के आई और बाज़ारों ने उसका स्वागत किया। US मार्केट ने तो रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी देखी है और हमको लगता है कि इसका असर पूरी दुनिया के बाज़ारों में ज़रूर होना चाहिए।